यूपी चुनावों में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ जनता को लुभाने के लिए चुनावी घोषणाओं और सियासी दाव पेच चल रहे हैं। लेकिन यूपी में बीएसपी का हाथ ही अपनी ही मस्ती में है। मायावती की खामोशी पर प्रियंका ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। यूपी चुनावों के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है। कांग्रेस नेता ने कहा, 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है, हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। ये भी संभव है कि भाजपा सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर कहा, बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसी राजनीति से फायदा हो रहा है। सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है, वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, वो 80% बनाम 20% कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये 99% बनाम 1% की लड़ाई है। हकीकत ये है कि कुछ कारोबारियों और सरकार के दोस्तों को फायदा हो रहा है, बाकी सभी के सामने बहुत संकट है। उन्होंने कहा, हम यूपी में बेरोजगारों के प्रतिशत के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उस बजट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है, हम उन सवालों पर बात क्यों कर रहे हैं जिनका यूपी के विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी विकास की राजनीति का नारा बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनका ये नारा उन्हें कितना चुनावी फायदा देगा ये तो वक्त ही बताएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।